तो शुरू करें तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MI के बारे में। MI का एक न्यू स्मार्टफोन जिसका नाम है MI 11 और ये स्मार्टफोन अगले दिन चाइना में लॉन्च हुआ है और ये फ़ोन जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर लॉन्च हुआ है और जो स्पेक्स के साथ ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज के इस वीडियो में हम इसी फ़ोन की फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। उसके साथ ही बात करेंगे कब और एग्जैक्टली कितने प्राइस के अंदर ये इंडिया में लॉन्च होगा। तो आप अगर इस बारे में कुछ जानना चाहते हो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो की लाइक टारगेट को रख लेते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50। आई होप आप लोग कंप्लीट कर दोगे। तो शुरुआत कर लेते हैं, सबसे पहले इस फोन की प्राइस से हम लोग शुरुआत करते हैं। प्राइस आपको मिलता है 4000 युआन की। इसको अगर इंडियन प्राइस में कन्वर्ट किया जाए लगभग आपको 45000 के अराउंड आपको मिलता है और इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर जो जो आपको स्पेक्स प्रोवाइड किया गया ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में सबसे पहले बात कर लें, 6.81 इंच का आपको एक एमोलेड की स्क्रीन दिया गया जिसका रेजोल्यूशन आपको 2K का मिलता है। उसके साथ ही आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट। इसके अगर हम प्रोटेक्शन के बारे में बात करो, कॉर्निया ग्लास के विक्टर की प्रोटेक्शन मिलता है और ये जो विक्टर है कॉर्निया ग्लास 6 का रियल सक्सेसर है। उसके साथ ही अगर हम इसकी ब्राइटनेस के बारे में बात करो, 1500 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है और उसके साथ ही PPI यानी कि पिक्सल पर इंच आपको मिलता है 515 का। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आपको अच्छा इसका कलर भी आपको देखने को मिलता है और कलर की अगर हम बात कर ही रहे तो इसके अंदर 1 बिलियन से भी ज़्यादा आपको कलर इस डिस्प्ले के अंदर मिलता है। इस डिस्प्ले को A1 रेटिंग दिया गया। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट 45000 के अंदर डिस्प्ले के अंदर इस फ़ोन में देखने को मिलता है। उसके साथ ही अगर हम बात करूँ ये जो फ़ोन है इस फ़ोन की चिपसेट के बारे में बात कर लें, इस फ़ोन के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट दिया गया और ये 888 चिपसेट है ये फ्लैक्सीबल की सबसे पावरफुल चिपसेट है अभी तक एंड्रॉयड में। और उसके साथ ही अगर हम बात करें इस चिपसेट की फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि इस फ़ोन के अंदर दिया गया, टोटल 8 कोर मिलते हैं जिनके अंदर 2 कोर आपको मिलता है 2.84 GHz में। उसके साथ ही और 2 कोर आपको मिलता है 2.42 GHz में और आपको 4 कोर जो कि एफिशिएंसी के लिए मिलेगा ये आपको मिलेगा 1.8 GHz में। तो आप इसमें जितना ज़्यादा हो सके आप अगर लोड दबी तो भी आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ये आपको स्ट्रांग देखने को मिलता है। और इस चिपसेट के साथ अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियो देखना है कि कौन कौन से चिपसेट से ये बेटर मिलता है, कौन कौन से चिपसेट से ये कमज़ोर मिलता है, तो ऊपर आई बटन में देख सकते हो मैंने इस चिपसेट को सारा चिपसेट के साथ कंपेयर करके बताया हूँ। तो आप अगर चाहते हो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। कैमरा की अगर हम बात करूँ 108MP का एक सिंगल कैमरा मिलता है, 7 से 13MP का अल्ट्रा वाइड और उसके साथ ही 2MP का आपको एक मैक्रो या डेप्थ सेंसर मिलता है। 108MP के अंदर सैमसंग का लेंस यूज है तो उतना ज़्यादा आपको कैमरा में तो इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया, सिर्फ आपको नंबर में खेला गया है, लेकिन तब भी इसके अंदर जो कैमरा है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर आपको OIS भी मिलता है, EIS भी मिलता है और इसके अंदर आपको 8K 30fps तक आप निकाल सकते हो, 4K 60fps मिलता है, 30fps भी देखने को मिलता है। उसके साथ ही अगर हम बात करूँ फ्रंट कैमरा के बारे में, 20MP का फ्रंट कैमरा दिया गया जिसके अंदर आप फुल HD 60fps तक ही आप निकाल सकते हो। इसके अंदर ना तो 4K मिलता है ना तो 8K मिलता है। बात कर लें बैटरी के बारे में, 4600mAh का बैटरी दिया गया जिनके अंदर फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी 65W का मिलता है और ये जो 65W फास्ट चार्जर है 45 मिनट के अंदर 0 to 100% चार्ज कर देगा, ये कंपनी का क्लेम है। साथ ही साथ आपको वायरलेस चार्जिंग 50W का मिलता है, रिवर्स ऑयलिंग चार्जिंग आपको 10W की मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको बैटरी में भी इम्प्रूवमेंट मिलता है। उसके साथ ही अगर हम बात करूँ कितने वेरियंट के अंदर आएगा, 2 से 3 वेरियंट के अंदर आएगा। एक आएगा 6GB 128GB स्टोरेज के साथ, उसके साथ ही आएगा 8GB 256GB स्टोरेज के साथ और एक आएगा लगभग 12GB के आसपास आएगा 256GB स्टोरेज के साथ। उसके साथ ही अगर हम एग्जैक्ट प्राइस के बारे में बात करूँ 44,999 रुपये के अंदर ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आता है। सामने की तरफ आपको एक पंचोल की डिस्प्ले मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा एक लुक देता है। 95% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसके अंदर प्रोवाइड किए गए। साथ ही साथ ही पीछे की तरफ आपको 3D कैमरा और उसके साथ ही ग्लास बॉडी आपको मिलता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए इसका बिल्ड क्वालिटी लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप ज़रूर
नीचे कमेंट करना है। और क्या आप इस फोन को परचेस करना चाहोगे, आपके बजट 50,000 की अराउंड है, आप जरूर से नीचे कमेंट करना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।